नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एसीएन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग शहर का बहुप्रतीक्षित पिकनिक स्पॉट थगड़ा बांध आम जनता के लिए हुआ निःशुल्क प्रारंभ। पिकनिक स्पॉट की रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटिंग और आतिशबाजी का स्पॉट पर पहुंचे लोगों ने उठाया आनंद। रायपुर में बने विश्व स्तरीय स्टेडियम के लिए छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन व यूनियन क्लब ने किया गुरुचरण सिंह होरा को सम्मानित। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों और क्लब के सदस्यों का जताया आभार। और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने पहुंची राजधानी रायपुर। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, जनता दोबारा कांग्रेस को चुनेगी और हमारी सरकार बनेगी। अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव के मद्देनजर आहूत पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जाति जनगणना पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार से बिहार में हुआ है और जैसा प्रियंका और राहुल गांधी ने कहा है, उसी तर्ज पर हमें काम करना चाहिए और हम करेंगे भी। इंडिया अलायंस में भी बात आई है कि जब तक हमें सही आंकड़े नहीं पता होंगे, हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचा पाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है, लगातार चल भी रही है और चलेगी भी। उन्होंने कहा कि पार्टी का काम लगातार चल रहा है, पंचायती राज का बड़ा सम्मेलन हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया, प्रियंका गांधी ने भी संदेश दिया था, जनता कांग्रेस को दोबारा चुनेगी और हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से बिहार में हुआ, हमारे नेता राहुल गांधी भी कह गए, प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसी तर्ज पर हमें करना चाहिए और हम काम तो लगातार चल रहा है पार्टी का। हर तरफ आपने देखा कि अभी हमारी कई रैलियां हुई हैं और सभी एक से एक बढ़कर, अभी आखिर में प्रियंका जी आई थी और पंचायती राज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रियंका जी भी संदेश देकर गई हैं। हमारे सभी नेता आए यहाँ पर, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और लोगों में एक नया उत्साह आया है। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के लोग हमारे 5 साल का कार्य देखते हुए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ही दोबारा चुनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। आज महत्वपूर्ण बैठकें भी नहीं, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है और बैठकें तो लगातार चल रही हैं, चलेंगी जी। बिल्कुल, महिलाओं का विशेष योगदान रहता है हमेशा सरकार बनाने में, और पिछली सरकार जैसे आपने देखा तो सरकार को गिराने में हमारी सरकार ने खास तौर पर फोकस किया है महिलाओं पर, उनके समूहों पर, उनके कामकाज पर। जब तक सीईसी उस पर ठप्पा नहीं लगाती तब तक हमारे प्रपोजल होते हैं, ये प्रस्तावित होते हैं। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और यूनियन क्लब की ओर से गुरुचरण सिंह होरा के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इसमें यूनियन क्लब अध्यक्ष और टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरा क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्टेडियम बनवाने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों और क्लब के सदस्यों का आभार दिल से जताया। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और खेल युवा कल्याण विभाग के बैनर तले जोरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी बनाई गई है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया खेल ओलंपिक के समापन पर किया था। इसके बाद से यह कोर्ट टेनिस खिलाड़ियों को समर्पित हो गया। इस टेनिस एकेडमी को बनवाने में टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का विशेष योगदान रहा। इसके लिए गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताने के लिए यूनियन क्लब में सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को गुलदस्ता देकर, हार पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हुए वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ियों और क्लब के सदस्यों ने कहा कि गुरुचरण सिंह होरा ने न केवल यूनियन क्लब के खिलाड़ियों का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है।
इसके साथ ही टेनिस अकेडमी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, इसके लिए उनका आभार जताते हैं। शहनाई का नाम तो बिस्मिल्ला खां का याद आता है, सितार का नाम तो रविशंकर याद आते हैं, छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का नाम तो गुरुचरण याद आते हैं। तो मुझे इनको बधाई देते हुए और इनका स्वागत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि न सिर्फ यूनियन क्लब का, न सिर्फ रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ का इन्होंने मान बढ़ाया है और मैं इनके उत्तरोत्तर भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जल्दी आप AITA के प्रेसिडेंट हो जाएं, BCCI में भी आप इस पद से और ऊंचा पद ग्रहण करें और छत्तीसगढ़ के और अपने स्पोर्ट्स जगत के लिए ऐसा ही प्रयास करते रहें और सबको करें, एनकरेज करें खेलने के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सारे टेनिस प्लेयर्स की ओर से, चूँकि मैं, मुझे कोई दूसरा हो तो बताना, मैं इस्तीफा दे दूंगा, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के टेनिस प्लेयर्स की ओर से बोरा जी को बहुत बहुत बधाई और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और एक ये मेरे ताज्जुब हुआ, ये स्टेडियम से भी बड़ी उपलब्धि है कि अपने इंडियन सीनियर टीम का, टेनिस टीम को एज ए मैनेजर लेके विदेश जा रहे हैं। माने कितनी बड़ी बात है कि इंडिया नंबर 1-2 को अगर आम खिलाड़ी मिलता है तो उनके साथ बात करने में वो हिचकिचाता है, अरे वो इतने भोपन्ना है, अरे वो अपने बामरा, ऐसे इस टाइप से उनकी टीम को लेके गुरचरण जी अभी विदेश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये न केवल रायपुर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं तो उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ और ये छत्तीसगढ़ का सम्मान है, गुरचरण का है ना, तो धन्यवाद। बोरा जी के स्वागत समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रदेश के मुखिया, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई श्री भूपेश बघेल जी, ओलंपिक संघ के पूर्व सचिव भाई गुरचरण होरा जी, टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी एवं टेनिस संघ के सचिव, जुझारू सचिव श्री गुरचरण होरा जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को दिए गए टेनिस एकेडमी के एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि उनकी इस उदार नीति का प्रदेश के समस्त खेल संघों को भी हमारे एक भाई गुरचरण होरा जी का आशीर्वाद भविष्य में मिलता रहेगा। माननीय गुरचरण सिंह होरा जी ने जो सौगात छत्तीसगढ़ को दी है वो अतुलनीय है। इस सौगात से ये होगा कि जो हमारे जूनियर टेनिस खिलाड़ी आगे आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से गुरचरण सिंह होरा जी को धन्यवाद देता हूँ जी, उनके प्रयास से इतना बड़ा एकेडमी यहाँ पे बन सकी है। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो पूरे आगे भी सभी खेलों को अपना योगदान देते रहेंगे और खेलों को बढ़ावा देते रहेंगे। धन्यवाद। पैदा जन्म से ही पर हुआ हूँ, लेकिन इतना बड़ा सम्मान जो आज हमारे आदरणीय गुरचरण जी को मिला है, मेरी लाइफ में तो सिर्फ एक संजय शर्मा जी थे जो बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनाया था, लेकिन दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया हमारे आदरणीय बड़े भाई गुरुचरण जी होरा जी। मैं उनका दिल से उनसे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। टेनिस अकादमी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री ने राशि की कमी नहीं होने दी। जब जब उनसे निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की गई, उन्होंने सहयोग प्रदान किया। आने वाले दिनों में टेनिस संघ खेल युवा कल्याण विभाग से MOU करके संचालित करेगा। इस दौरान मौजूद सदस्यों को आश्वस्त करते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि जल्द ही टेनिस एकेडमी को दूसरा यूनियन क्लब बनाया जाएगा। देखिए, मेरा प्रयास नहीं है, ये प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का प्रयास है और उनके मार्गदर्शन में वो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं और उनके प्रयास, उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यकाल में ये पहला स्टेडियम है टेनिस का जो कि लोकार्पित हुआ।
माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में कहा जाता है कि वो खेलों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। रीजनल खेल डंडा गिल्ली भौरा ये तो वो करा ही रहे हैं, 30 लाख लोग खेलें, और ये हमारे लिए टेनिस स्टेडियम गौरव की बात है कि उसी रीजनल खेल के बीच में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया, तो उनका सभी खेलों के प्रति रुझान जो है वो दर्शित करता है। और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में उनके प्रयास से ये टेनिस स्टेडियम लोकार्पित हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा सुंदर स्टेडियम बना है, 45 कमरे रुकने के लिए बने हैं, हॉल बने हुए हैं, 5 टेनिस कोर्ट हैं, प्रैक्टिस के एक मेन कोर्ट है, 6 कोर्ट बने हुए हैं और बहुत भव्य स्टेडियम तैयार है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम अंकित करेगा, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की ओर से और यूनियन क्लब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानता हूँ, माननीय तामदस साहू जी, उमेश पटेल जी, PW की टीम और स्पेशली श्वेता सिन्हा जी, नीलम एक्का जी, इन सब के प्रयास से ये जो स्टेडियम तैयार हुआ है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को खेलने के लिए शीघ्र उपलब्ध होगा। मैं इसी अवसर पर उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। यह अचीवमेंट यूनियन क्लब के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के टेनिस जगत के लिए भी है, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ को जो एक टेनिस एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस कोर्ट का जो सौगात मिली है वो गुरचरण सिंह होरा जी के अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व उनकी सरकार द्वारा जो है स्टेडियम की सौगात दी गई है। यह टेनिस जगत में एक नया आयाम होगा छत्तीसगढ़ के लिए और सारे खिलाड़ियों के लिए। यहाँ से अब टेनिस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पहले से ज़्यादा निकलेंगे, यह उम्मीद जरूर की जा सकती है, एवं खेल जगत में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके लिए गुरचरण सिंह होरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन क्लब जो जहां से वह खेल जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सम्मान है गुरचरण भाई का, क्योंकि खेल में आज के डेट में जो भी खेल छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसमें हर खेल में गुरचरण भाई का योगदान है खुल के, और अभी जो आज उनका सम्मान क्लब ने और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने सम्मान किया है उनका, वो स्टेडियम को उन्होंने भरपूर ढंग से बनवाया है। मुख्यमंत्री बघेल जी उनका पूरा योगदान और इन्होंने देख के खड़े होकर बनवाए हैं पूरे शासन के टीम के साथ, तो ये हम लोग के लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। इसमें एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा गुरचरण भाई को कि इसके बाद वो मेरा जो खेल है बैडमिंटन उसके लिए वो उसका भी इसी तरह का एकेडमी बनवा दें, क्योंकि उनका प्रयास जो है ना इतना अच्छा प्रयास होता है कि बनना ही बनना है, ये हम सब खिलाड़ियों का विश्वास है। रावण भाटा रायपुर में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जूस बेचने वाला आदमी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अधिकारियों के साथ मिलकर महादेव ऐप के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को सट्टे की दलदल में ढकेल रहा है, करोड़ों अरबों की लूट कर रहा है। इस पर तो राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब सभी काले कारनामों के तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं तो कार्रवाई कैसे करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात पिछले 5 साल में कभी नहीं की, अब चुनाव नजदीक है तो इन्हें जातिगत जनगणना याद आ रही है। अरे भाई भूपेश को इतना समझ में नहीं आता कि जुआ सट्टा अपराध महादेव ऐप का जन्म छत्तीसगढ़ में होता है। जूस बेचने वाला 200 करोड़ की शादी करता है, उनके OSD उनके अधिकारियों से पैसे का लेन देन की बात साबित होती है। जो भी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में होता है भूपेश से सीधे कनेक्शन मिलते हैं। अब महादेव ऐप के बारे में बड़ा स्पष्ट चीज बता दूं कि भूपेश बघेल जो मांग कर रहा है ये जुआ सट्टा अपराध में प्राथमिकता दर्ज करके अपराधियों को सजा दिलाने का काम भूपेश बघेल का था, ये राज्य सरकार के अंदर आता है ये सारे विषयों को जांच करना। 4 महीने तक भूपेश बैठा रहा, अब जहां तक सवाल है ED जांच करे बोलता है,
ईडी तब आता है सामने जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए लगता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब पैसे का लेन देन बड़ी व्यापक मात्रा में जैसे हुआ है, अब ईडी इस पे कार्रवाई कर रही है। मगर प्रथम कर्तव्य भूपेश बघेल का था कि हजारों करोड़ का, अरबों करोड़ का सट्टा उनके शहर में, उनके घर के आसपास हो रहा है, उनके अधिकारी लिप्त हैं, उस पे तो कार्रवाई करते महाराज। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने का कारण यही है कि जांच जिस स्तर में होनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा यदि कोई है तो लाखों नवयुवकों के भविष्य की चिंता। आज छत्तीसगढ़ का एक एक युवा चिंतित है। अब जांच वही कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो जांच क्या होगा? ये प्रमाणित हो गया न्यायालय में कि 18 लोगों को अभी न्यायालय ने रोक दिया है पद ज्वाइन करने के लिए। और जिस प्रकार की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया का लेन देन की बात, इसके लिए जब तक युवकों का मन साफ नहीं होगा वो पीएससी एग्जाम क्यों देगा? लाखों नवयुवक पीएससी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। गरीब गरीब खेत बेचकर, जमीन बेचकर कोचिंग करने वाले बच्चे, उनको लगता है कि मेरे पास 50 लाख 75 लाख नहीं होगा तो मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बनूंगा, डीएसपी नहीं बन पाऊंगा। निराशा से व्याप्त है, उसका एक ही रास्ता है। एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा शनिवार की शाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन रायपुर में पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि रमन सरकार के 15 साल के कुशासन और गलत नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, हर वर्ग त्रस्त और परेशान था। इसलिए 2018 में प्रदेश की जनता ने बीजेपी और रमन सिंह के पाप के घड़े को फोड़ने का काम किया और कांग्रेस की सरकार बनाई। एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा ने दावा करते हुए कहा कि रमन सिंह सरकार में महिलाएं असुरक्षित थी, जब हमारी सरकार आई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बागडोर संभाली, कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को अधिक महत्व दिया, कड़े कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई की। किसानों से करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार थी तो धान का कटोरा कहलाने जाने वाले प्रदेश के किसानों के अन्नदाता के हाथ में रमन सिंह ने कटोरा धरने का काम किया। वादा इन्होंने किया था 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान का दाम देंगे। ये भी वादा किया था कि 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का काम करेंगे। ये भी वादा किया था कि हर दाना खरीदेंगे, लेकिन कभी 2100 रुपए प्रति क्विंटल दिया नहीं दिया। बोनस का हाल ये कर दिया कि मुझे याद है कि पिछले 5 साल पहले जब मैं आई थी तो आखिरी के 2 साल में जो हमारे पास आंकड़े आए थे कि 1 रुपया भी बोनस देने का काम नहीं किया था। धान इतने बुरे हालात कर दिए थे धान के कटोरे के। ऐसे हालात थे कि 15 साल में इनकी सरकार में यहाँ का किसान 15,000 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके थे। और हालात आप छोड़िए, नमक जले पे नमक छिड़कना जो होता है ना, इनके मंत्री रमन सिंह साहब के मंत्री ऐसा कहते थे, अजी किसान तो शराबी है इसलिए आत्महत्या कर रहा है, जो कर्ज के नीचे आ रहा है, आप उसका धान नहीं खरीद रहे हो, उसको एमएसपी नहीं दे रहे हो, बोनस नहीं दे रहे हो, उसकी बात नहीं करते थे, पर हमारे किसान को शराबी कहने का काम करते थे। जब श्री भूपेश बघेल जी ने सरकार बनाई, हमारी कांग्रेस की सरकार आई, आपको याद होगा कि उससे पहले इधर ही यही मंच था, सुशील जी भी थे, हम भी थे, मैं भी थी, हमने हाथ में गंगा जल लेने का काम किया था, हाथ में गंगा जल रख के कसम खाई थी कि हम किसानों का कर्ज 10 दिन के भीतर माफ कर देंगे। लेकिन हमने वादा कैसे पूरा किया? जैसे ही भूपेश बघेल जी ने शपथ ली, महज उसके 2 घंटे के भीतर भीतर हमने 19 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया, जिसका आंकड़ा 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया था। वादा किया था 10 दिन का और 2 घंटे भी नहीं लगाए किसान का कर्ज माफ करने का, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा अन्नदाता कितना जरूरी है। हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार नहीं है जो हमारे देश के अन्नदाता को 1.5 साल तक कोरोना के काल में सड़क पर बिठा दी थी। वादा हमने एक और किया था, ये वादा किया था कि हम समर्थन मूल्य धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। वादा 2500 का था, दिया हमने 2640 रुपए प्रति क्विंटल, वादे से 140 रुपए ज्यादा। उसी तरीके से मक्का खरीदने का हमने वादा किया था 1700 रुपए प्रति क्विंटल का, खरीद हम 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहे। एक बार प्रदेश के भविष्य पे
महासमुंद जिले में आबकारी विभाग की प्रीमियम शराब की दुकान में शनिवार देर रात आग लग गई। आग से लाखों रुपए की शराब जलकर खाक हो गई। गार्ड के अनुसार शनिवार रविवार की रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। गार्ड द्वारा आगजनी की सूचना देने के बावजूद मौके पर आबकारी विभाग की टीम नहीं पहुंची, तो उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हां, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्तरोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हां, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध।
पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ। सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद। आप सबका स्वागत है। दुर्ग का बहुचर्चित पिकनिक स्पॉट ठगड़ा बांध बनकर तैयार है। वहीं दुर्ग नगर निगम की पहल से शहरवासियों को इसकी सौगात मिली है। दुर्ग शहर की बहुप्रतीक्षित पिकनिक स्पॉट ठगड़ा बांध शहर लोगों के मनोरंजन के लिए शनिवार को आखिरकार खोल ही दिया गया। ये पिकनिक स्पॉट दुर्ग, भिलाई सहित आसपास के लोगों के मनोरंजन के लिए शानदार स्पॉट साबित हो सकता है। बताना चाहेंगे, आगामी दिनों में बांध के बीच आइलैंड पर 30 फीट का तिरंगा लहराने की भी योजना है, जिसके लिए जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने महापौर परिषद से चर्चा भी की है। लोगों ने शानदार सौगात के लिए महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव और लोककर्म प्रभारी अब्दुल गनी सहित सभी MIC सदस्यों और पार्षदों की जमकर तारीफ की। लोग कहते रहे कि ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट की सौगात के लिए नगर निगम की वर्तमान परिषद के कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। गौरतलब है कि ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट शहरवासियों के लिए अभी निःशुल्क खोला गया था। वहीं अंदर रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटिंग के साथ शानदार आतिशबाजियों का नज़ारा देख स्पॉट्स पर पहुंचे लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वार्ड 16 सुपेला शीतला तालाब परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश भर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया था। इसी के तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वार्ड 16 सुपेला में शीतला मंदिर तालाब परिसर में सड़क नाली सहित अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर
वार्ड पार्षद एवं एमएससी मेंबर केशव चौबे, कांग्रेस नेता राधा मोहन मिश्रा, वासु पांडे सहित अन्य कांग्रेस जनों की उपस्थिति में किया गया। उपस्थित अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्य की शुभारंभ की। वार्ड 16 सुपेला में सभी विकास कार्य 25 लाख रुपए की लागत से कराए जाएंगे। विकास कार्यों का शुभारंभ होने से वार्ड के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगें पूरी हो सकती हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित वार्ड के नागरिकों से भी चर्चा की और उनकी समस्याओं को जानकर शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। विकास कार्यों के शुभारंभ की जानकारी भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और वार्ड पार्षद एवं एमएससी मेंबर केशव चौबे ने दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए के कार्यों का जो घोषणा किए थे उसी के संदर्भ में उन्होंने जो भूमि पूजन किया था, तो आज जो है इस वार्ड क्रमांक 16 में समस्त कार्यों का प्रारंभ कर किया जा रहा है, तो उसी का आज हमारे पार्षद और एमआईसी सदस्य केशव चौबी जी के द्वारा भूमि कार्य का प्रारंभ पूजन करके साथ कार्य का प्रारंभ किया। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान सभी वार्डों में 50 लाख रुपया विकास कार्य हेतु वितरण किया गया था। उसमें से ही आज 25 लाख रुपये का कार्य का प्रारंभ आज श्री शीतला मंदिर शक्तिधाम सुपेला में भूमि पूजन करके प्रारंभ किया गया है। इन 25 लाख रुपये के राशि से किन किन कार्यों को किया जाएगा? इसमें रोड नाली और मूलभूत सुविधा जो भी है आम जनता से जुड़ी हुई, रोड नाली है और आपका पुलिया है, ये सब जो डिमेज है रोड और पुलिया कई जगह जर्जर हो चुके हैं, उसका संधारण और नया निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि वार्ड पार्षद केशव चौबे वार्ड में मौजूद समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार प्रयासरत रहे हैं। यही वजह है कि वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के एक निजी होटल में डॉक्टर संतोष राय कॉमर्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोग्राम CA CMA CS के विद्यार्थियों के लिए किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने इस कल्चरल प्रोग्राम का लुत्फ उठाया। कॉमर्स गुरु संतोष राय अक्सर अपने संस्थान के साथ उमंग से भरे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया ही करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद बच्चों में उत्साह का संचार करना व कॉमर्स को भिलाई सहित पूरे विश्व में अलग ही पहचान दिलाना है। ऐसा ही एक उत्साह से भरा कल्चरल प्रोग्राम दुर्ग के एक निजी होटल में किया गया। यहाँ CA CMA CS के बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल रहे। देश के विभिन्न राज्यों से गणमान्य लोगों के साथ बच्चों की उपस्थिति यहां पर बड़ी संख्या में दर्ज की गई। यहां उन बच्चों ने भी हिस्सा लिया था जो आज देश के विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गीत संगीत व उत्साह से भरे इस कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी जिसे दर्शक देर तक देखते रहे और मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहे। आज के विख्यात और शिक्षा जगत में अपनी अतुलनीय योगदान के लिए मशहूर कॉमर्स गुरु एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर संतोष राय का जन्म हुआ। बाल्यावस्था से ही जिम्मेदारी और लक्ष्य के लिए समर्पित संतोष न केवल किसी राज्य या देश पूरे विश्व में आज प्रख्यात है। आज देश को लाखों प्रोफेशनल्स देने वाले संतोष किसी समय अपने स्वयं की पढ़ाई के लिए भाव नहीं रखा करते थे, परंतु समय का चक्र देखिए उसी संतोष ने कक्षा 8वीं में अव्वल आकर मानो की जैसे कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इस अवार्ड सेरेमनी व कल्चरल प्रोग्राम को लेकर डॉक्टर संतोष राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्पात नगरी भिलाई को कॉमर्स का कोटा बनाना व साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भिलाई का नाम कॉमर्स के क्षेत्र में रोशन करना उनका उद्देश्य है। ये कॉमर्स के वो बच्चे जिन्होंने CA CMA CS जैसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है उन बच्चों को अवार्ड सेरेमनी है, साथ साथ में कल्चरल प्रोग्राम भी है। इसमें मुंबई से, पुणे से, यूपी से बच्चे आए हुए हैं जो कि आज विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, और हमारा काम है कॉमर्स के क्षेत्र में एक बेहतर काम करना, भिलाई को कॉमर्स का कोटा बनाना और छत्तीसगढ़ ही नहीं
वरन पूरे विश्व में कॉमर्स में भिलाई का नाम दर्ज कराना। कार्यक्रम में मैं ये कहूँगा आज लगभग 1200 से ज़्यादा कॉमर्स के बच्चे शामिल होंगे, जो अपने आप में आज कॉमर्स का उत्सव है, कॉमर्स का फेस्टिवल है, कॉमर्स की दुनिया में ये बच्चे जो विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं, तो इसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। ये तो आज बच्चों को आप देखेंगे या बच्चों की खूबसूरती देखेंगे, उनका उत्साह देखेंगे, तो आपको खुद ही पता चले। इसमें कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें बॉम्बे से अवतार गिल साहब आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, लगभग 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। वर्तिका झा जी जो आ रही हैं, जो एक डांसर और कोरियोग्राफर हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान कहूँ, आरू साहू जी आ रही हैं। और इसके अलावा मुंबई, पुणे, यूपी, लखनऊ, बिलासपुर और यहाँ जो बच्चे विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, दिल्ली, ये सब बच्चे आ रहे हैं। दिल्ली से ओरेकल के वाइस प्रेसिडेंट कन्वर सिंह जी यहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, यहाँ के व्यवसायी वर्ग के लोग, उद्योग वर्ग जगत के लोग, सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। ये सबसे मुख्य संदेश ये है कि शामिल तो लगभग 1200 बच्चे हो रहे हैं कॉमर्स के, लेकिन सम्मानित 100 बच्चे हो रहे हैं, उससे 1100 बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कल किसी न किसी रूप में सम्मानित होंगे और इन 100 बच्चों जैसा हमको भी बनना है। ये कार्यक्रम डॉक्टर पीसी राय इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें वो टैलेंट सर्च उन्होंने एग्जामिनेशन कराया है, उसमें से जो होनहार बच्चे उनको आज पुरस्कृत किए, वो पुरस्कृत होंगे। तो डॉक्टर संतोष राय की एक इंस्टीट्यूट है जो कॉमर्स में काफ़ी प्रख्यात है, भिलाई में काफ़ी लोगों ने जो यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले हैं वो देश में काफ़ी उच्च स्तरों पर उन्होंने पदवियों पर बैठे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे फंक्शन से जो टैलेंट्स निकल के आते हैं वो भी आगे चल के देश का गौरव बढ़ाएंगे, देश की समृद्धि में और देश के आगे बढ़ने में उनका एक बड़ा योगदान रहेगा। काफ़ी उत्साह है, आप देख सकते हैं बच्चे खुद सब, ये उनका डॉक्टर पीसी राय इंस्टीट्यूट का एक ये रहा है कि बच्चे ही अक्सर बढ़ चढ़ कर सारा काम करते हैं यहाँ पर। आज भी आपने देखा स्टेज पर हो, एंकरिंग में हो या रिसेप्शन में हो, हर जगह इनके स्टाफ और इनके बच्चे ही आगे रहते हैं। उसके अलावा जो गेस्ट लिस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा एक माहौल बना हुआ है, उत्साह है, जोश है सब में। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ डॉक्टर संतोष राय और उनकी टीम को जो इतना अच्छा एक उन्होंने कार्यक्रम किया है। बहरहाल इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर से लगभग 1200 बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया और इसमें हिस्सा लिया। और हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर संतोष राय ने कॉमर्स के लिए भिलाई की छाप देश सहित विदेश के लोगों के दिलों में छोड़ ही डाली। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष को छोड़कर अन्य पदों के लिए पदाधिकारियों का चुनाव ओए बिल्डिंग प्रगति भवन में संपन्न हुआ। 45 मतदाताओं में से 44 ने अपने मत का प्रयोग कर पदाधिकारियों को चुनने मतदान किया। ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष को छोड़कर अन्य पदाधिकारियों को चुनने मतदान प्रगति भवन ऑफिसर्स एसोसिएशन के भवन में संपन्न हुआ। यहाँ ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर, महासचिव परविंदर सिंह और कोषा अध्यक्ष अंकुर मिश्रा सहित कुल 45 मतदाता थे, जिनमें से 44 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर ऑफिसर्स एसोसिएशन के शेष पदाधिकारियों का चुनाव किया। ओए के पदाधिकारियों को चुनने सभी प्रतिनिधियों ने बारी बारी से मतदान किया। मतदान को लेकर प्रगति भवन में व्यापक रूप से तैयारी की गई थी। पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर ने जानकारी दी। संपन्न किया जा रहा है बिल्डिंग, आज हमारे ऑफिसिएशन का जो हमारा कार्यकाल है 23-25 का, ये द्वितीय चरण का चुनाव है। वही की परंपरा रही है शुरू से कि पहले फेज में प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजर का चुनाव होता है और वो चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग सेकेंड जो हमारी कार्यकारिणी बनती है उसका चुनाव करते हैं। उसमें हमारा वाइस प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 2, वाइस प्रेसिडेंट माइंस, सेफी नॉमी, सेक्रेटरी 1 और सेक्रेटरी 2 का चुनाव होता है। आज ये चुनाव आज हो रहा है, शाम को 7 से 8 बजे का समय दिया गया। हमारे जो काउंसिल मेंबर है, हमारे 43 काउंसिल मेंबर है और 3 ऑफिस भी रहे, तो 46 लोग इसमें मतदान करेंगे और सेफी नॉमनी के पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, अजय श्री अजय कुमार उसमें निर्वाचित हुए हैं। तो बाकी 5 पदों पर आज चुनाव हो रहा है और सभी, मुझे उम्मीद है कि सभी जितने हमारे जुनियर प्रतिनिधि हैं सब इसमें मतदान में भाग लेंगे और इसका रिजल्ट हम लोग जैसे
चुनाव खत्म हो, हमारे जो चुनाव अधिकारी 8 बजे के बाद इसका रिजल्ट घोषित करें, तो एक स्वस्थ परंपरा हमारी रही है। सर, इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, जो जो चुनकर आएंगे? चुन के आती है वो, एक्चुअली जो हमारी अधिकारी संघ का शुरू से रहा है कि जो हमारे ऑफिस रिलेशन के ऑफिस बीरियर होते हैं, क्या एक हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो, तो उसका चुनाव तो हो चुका है 8 तारीख को, लेकिन काउंसिल के बीच में एक पदाधिकारियों का चुनाव जो होता है वो होता है। उसके बाद सेफी नॉमनी का कार्य रहता है कि जो हमारे सेफी के जितने भी कार्य होते हैं, जो दिल्ली से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट स्तर के मुद्दे होते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। सेफी नॉमनी उसमें अपना पार्टिसिपेट भी करता है, उसके लिए अपना वर्किंग भी करता है। वाइस प्रेसिडेंट 1 और वाइस प्रेसिडेंट 2 हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका एरिया डिवाइड कर लें, हर बार हम लोग करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना अलग अलग एरिया में कार्य करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट माइंस का जो कार्य होता है बिल्कुल माइंस से रिलेटेड होता है। हमारी जो माइंस हैं, दिल्ली माइंस है, राजारा माइंस, दिल्ली राजारा माइंस एक ही जगह स्थित है, IOC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। हमारा रावगढ़ में ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, रावगढ़ का क्षेत्र है। कलवर नागौर माइंस है, हमारी फ्लक्स माइंस है। नंदनी है, हिरली हमारी फ्लक्स माइंस है। कोटेश्वर, ये जितनी माइंस हैं यहाँ पे, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं इसको लेकर हमारे बीपी माइंस का कार्य होता है कि उस कार्य को करें। और सेक्रेटरी 1 और सेक्रेटरी 2 हमारे जितने प्रगति भवन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उस पर हमारे जनरल सेक्रेटरी को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक परंपरा चली आ रही है और परंपरा के निर्वाह हम लोग करते हैं, और ये इसका बेनिफिट भी मिलता है कि एक टीम में जो काम करती है उसमें जो भी इस टीम का लीडर होता है, चाहे प्रेसिडेंट हो जो जनरल सेक्रेटरी, उनको एक सहयोग मिलता है इस टीम से। और हमारे जो डिसीजन होते हैं ये 9 लोग मिलकर लेते हैं, जो डिसीजन 9 लोग मिलकर लेते हैं उसका ये कार्यकारिणी में जाता है, हमारी काउंसिल में जाता है, उसके बाद उसको पास करके हम लोग अगर लगता है ये कुछ परिवर्तन करने तो जनरल बॉडी में ले जाते हैं। कई बार उसको जो काउंसिल के पावर में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट देते हैं। ये कमेटी का दायित्व है और दायित्व के लिए 23-25 सीटें पास तैयार होते हैं। गौरतलब है कि मतदान में सेफी नॉमिनी पद के लिए अजय कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष 1 के पद के लिए तुषार सिंह, उपाध्यक्ष 2 पद के लिए अखिलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष माइंस के लिए नीतीश छत्री रहे। वहीं सचिव के 1 पद में संजय कुमार तिवारी और सचिव 2 में ज्योति प्रकाश शर्मा विजय रहे। मतदान के पश्चात चुने हुए सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार, अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेंशन ना लो, शिवालय। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य। तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल।
जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांकेर जिले के अंतागढ़ से BJP के पूर्व विधायक भोजराज नाग ने अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान देते हुए अधिकारियों का भूत उतारने की बात कह डाली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि अधिकारियों को भी लताड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों का भूत उतारने की बात कह डाली। भोजराज नाग ने अधिकारियों को जनता की सेवा करने की नसीहत भी दी। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर मैं विधायक रहता तो आपका भूत उतारता, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूं और पुजारी भी हूं, मुझे अच्छे से भूत उतारना आता है। चले गए अपर कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, यदि मैं रहता तो आपका भूत उतारता, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूं और पुजारी भी हूं, मेरे को अच्छे ढंग से आता है भूत उतारने के लिए। ये अधिकारी कर्मचारी कान खोल के सुन ले कि जनप्रतिनिधि
जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो अधिकारी कर्मचारी जनता का सेवा करने के लिए है। यहाँ एसी रूम में बैठ के और कलेक्टर के कुर्सी में बैठ के जनता के टैक्स के पैसे को वेतन लेकर के मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। ये बात को कान खोल के सुन लो आप लोग। आपसे पहले कई बार मैं ऐसे अधिकारियों का भूत उतारा हूँ और यहाँ के एक पत्र आया हमारे मंडल अध्यक्ष को कि आप नियम कानून के अनुसार धरना प्रदर्शन घेराव नहीं कर सकते, आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ये नियम है, वो नियम है। नियम हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। नियम क्या कहता है कि आप सक्षम अधिकारी हैं, आपके कार्यालय में जो भी आदमी आवेदन लेकर के आता है चाहे सही हो या गलत हो, आपको उस आवेदन को अध्ययन करके उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने यहाँ बैठाया है। सरकार इसलिए नहीं बैठाया है कि आप खनिज के पैसे का भ्रष्टाचार करो, यहाँ पे लोगों को लूट बचाओ, दादागिरी करो, गुंडागर्दी करो। दुर्भाग्य है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का, यहाँ का विधायक जो कि टीआई था और टीआई होने के बाद विधायक बना, आज भी उसका व्यवहार टीआई जैसे है। कैसे टीआई? जो अंग्रेज के जमाने में चलता था। अंग्रेज में यही होता था कि जनता को परेशान करना, डंडा मारना, गोली मारना। आज अंग्रेज का शासन चला गया है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार भी क्या अंग्रेजों का अनुसरण करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और खास करके हम बस्तर के आदिवासी कार्यकर्ता शहीद गेंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती। अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों को एक सूत्र में बांधने सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रांतीय महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग के विवेकानंद सभागार में एक दिवसीय प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अनुसूचित जाति में शामिल 40 जातियों के प्रतिनिधियों को एकजुट कर सभी जातियों को एक सूत्र में शामिल कर प्रदेश स्तरीय संगठन का निर्माण किया गया, जिसके तहत समाज के लोगों को लाभ मिल सके। बता दें कि सर्व अनुसूचित जाति समाज द्वारा किए जा रहे प्रयास से अनुसूचित जाति के लोगों को एक मंच पर लाकर समाज से जुड़े मुद्दे और समाज के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके, इसे लेकर परिचर्चा भी यहाँ पर की गई। दुर्ग में आयोजित प्रांतीय महाबैठक में आईएएस विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन महादेव कावरे, डॉक्टर लक्ष्मण भारती, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र चौरे, ध्रुव लंगूर सोनी, अजीत वैद्य सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अधिकारी कर्मचारी तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग का उपस्थिति थोड़ा सा अभाव रहा, इसलिए जो है ना शपथ ग्रहण कार्यक्रम को हम लोग स्थगित कर रहे हैं और संपूर्ण रूप से शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम होगा पूरा प्रदेश स्तर के लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और यह कार्यक्रम जो है ना नियमावली और रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा पदाधिकारियों का होगा। सभी समाज को साक्षी मानकर 44 जाति समाज है और जिसमें 5 जाति हमारे जो अभी OBC से जो आए हैं, सही सारथी धनवार जो है और सारथी समाज, तो उनकी भी हम भागीता को जो है ना हमारे मीटिंग में, रायपुर की मीटिंग में अध्यक्ष महोदय जी भी कह चुके हैं, हमारे संरक्षक मंडल भी कह चुके हैं कि यह कार्यक्रम जो है ना उसी प्रकार से होना चाहिए। और आज जो है हम एक चर्चा परिचर्चा बैठक संपूर्ण विषय को लेकर जो है ना आज यहीं पे ही तय होगा अगला शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के विषय में। और पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि यह कार्यक्रम में जो है हमारे बिलासपुर संभाग से उपस्थित हैं, रायपुर संभाग से उपस्थित हैं, बस्तर संभाग से उपस्थित हैं, सरगुजा संभाग से उपस्थित हैं, दुर्ग संभाग से उपस्थित हैं, 5 संभाग और कई जिलों के पदाधिकारी भी यहाँ, हर समाज के लोग जो है ना यहाँ पूरे जो है ना बेलदार समाज, देवार समाज, घासी घसिया समाज, मेहतर समाज, भंगी समाज, मखियार समाज और हमारे महार समाज, जितने भी हमारे समाज जो यहाँ इस सर्व अनुसूचित जाति समाज में आते हैं
वो पूरे सभी की भागीदारी और सभी की सोच सर्व अनुसूचित जाति समाज की ओर है। और शासन प्रशासन जो हमारे समाज की मूल विषयों पर जो है काम नहीं कर रही है, उसको भी जो है ना लेकर यहाँ पे चर्चा और परिचर्चा होगा। देश में जो है जो चीज़ हो रहा है हमारे संविधान को ख़त्म करने की बात, तो उसके लिए तो जो है ना हमने पहले ही तय कर चुका है, संविधान हम मिटने नहीं देंगे, संविधान के प्रति भले हम अपनी जान दे देंगे। मीडिया के भाइयों को मेरा सादर नमस्कार और जो देख रहे हैं इस माध्यम से उनको भी मेरा नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है सर्व अनुसूचित जाति प्रदेश स्तरीय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम है जो दुर्ग में आयोजित किया गया है, ये हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के भाइयों हैं जैसे सतनामी समाज, महार समाज और बेलदार समाज, देवार समाज, इन सभी को एकत्रित करके एक छत्र के नीचे एक आवाज़ बनकर हम अपने पूरे भाइयों को लाना चाहते हैं जो कि अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं, कई भागों में बटे हुए हैं, उनको एक छत्र के नीचे लाकर अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं। समाज में हमारे जो अनुसूचित जाति समाज में है इसमें एक तबका पढ़ लिख कर अच्छे उसमें पहुँच गया है, लेकिन वहीं दूसरा तबका बहुत नीचे है जो कि बहुत दुख की बात है। बाबा साहब ने सूचीबद्ध किया था, शेड्यूल में बांटा था जिन चीज़ों को, उनको हम अब एक साथ लाना चाहते हैं सबकी तरक्की के लिए। पहले चीज़ तो मैं सारे चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे इस सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पहले बार प्रदेश में हमने सोचा कि सर्व अनुसूचित जाति जो 44 फिरके हैं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उनको एक करके एक मंच में लाया जाए जिससे अनुसूचित जाति समाज के जो अन्य जातियों में कुछ बड़ी जातियां हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जो बहुत कम संख्या में है वो अपने बातें शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते और ख़ासकर विकास के मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें लगा कि नहीं, समदर्शी विकास हो, सभी लोगों के विकास हो, जब योजना बनती है अनुसूचित जाति के तो सभी अनुसूचित जाति के जो फिरके हैं उनको लेके बनती है, लेकिन होता क्या है कि कुछ जातियां इसका लाभ उठा लेती है, जो बड़ी जातियां हैं वो लाभ उठा लेती हैं, जिनके शासन प्रशासन पहुँच है वो इनका लाभ उठा लेती है, लेकिन जो छोटी जातियाँ हैं जो अपनी बातें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। सबसे पहले चीज़, 33% को तो बहुत कम मानते हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष में हम इस देश में भेद कर ही नहीं सकते, 50% उनकी हिस्सेदारी है, 50% पुरुषों की हिस्सेदारी है, 33% तो बहुत कम है। सरकार को इसमें योजना बनाना चाहिए और महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए, तभी इनका विकास होगा। आज के समय में जो काम महिलाएं जो कर रही है, जो तेज़ी के साथ जो विकास के दिशा में इस देश राष्ट्र निर्माण में जो महिलाएं जो आज अपना भूमिका निभा रही हैं, योगदान दे रही है, निश्चित तौर से भेदभाव करना बहुत गलत है, 33% बहुत कम है। हमारा समाज अनुसूचित जाति समाज, हमारी सोच है, हमारी मांग है कि वो 50% करे। के लिए अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़रूर बोलेंगे कि बेहतर कैंडिडेट को सर्व अनुसूचित जाति समाज चुनेगा, जो समाज के लिए बेहतर काम करेगा, जिनकी सोच इस समाज के विकास के प्रति होगा, ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये समाज काम करेगा। देखिए, दुर्ग में आज यहाँ पर 44 अनुसूचित जातियों का संगठन, जो सर्व अनुसूचित जाति समाज का संगठन बना है, उसका यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये सभी समाजों को एकता में जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह का कार्यक्रम और भी जिलों में आयोजित हुआ है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह का पूरा कार्यक्रम पूरे राज्य में होना चाहिए। थैंक यू। बहरहाल, सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले इस आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग युवकों द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति पर नेल कटर से हमला कर दिया गया, जिसके बाद घायल वृद्ध को अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र में बीती रात दो नाबालिग युवकों द्वारा सिकोला बस्ती कबड्डी भवन के रहवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति कमलेंद्र मुखर्जी पर नेल कटर से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना मिलते ही मोहन नगर पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुँचवाया और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की। दिनांक को 9:30 बजे के आसपास एक लड़ाई झगड़ा की सूचना आया था कि सिकोला बस्ती है अपना, भैंस खटाल के पास लड़ाई झगड़ा हुआ है करके, तो फिर जाके तस्दीक किया गया कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था। कमलेंद्र मुखर्जी हैं,
उनको फिर दो जो लड़के हैं वो अपने पास रखे नेल कटर से उनको चोट मारकर घायल किए होते, तो उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल अस्पताल इलाज हेतु भेजे गए थे और उसके बाद फिर जो दोनों लड़के हैं उनको हिरासत में लिया गया है। क्या कार्रवाई की? दोनों लड़के ऐसे प्रथम दृष्टया देखा जाए तो नाबालिग दिख रहे हैं, लेकिन अभिरक्षम लिया गया है और मुजरा को उचित इलाज हेतु अस्पताल रेफर किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सिख समाज के पारंपरिक खेल गतका को अब राष्ट्रीय खेल की उपाधि मिल गई है। उसके बाद गतका एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने शासन प्रशासन से इस खेल को खेलन और सीखने तथा इस खेल की तैयारी करने के लिए एक ग्राउंड की मांग की थी, जो अब पूरी होने जा रही है। रविवार का दिन सिख समाज और छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन के लिए काफी खास रहा, क्योंकि रविवार को छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन की 1.5 सालों से मांगी जा रही मांग पूरी हो गई। भिलाई के सेक्टर 2 में विधायक देवेंद्र यादव के हाथों सिखों के पारंपरिक खेल गतका, जो अब राष्ट्रीय खेलों में शामिल हो गया है, इसे बढ़ावा देने, इस खेल की तैयारी करने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला एकल गतका ग्राउंड बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस मौके पर संपूर्ण सिख समाज एवं छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों सहित गतका खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाइयाँ दी और सोमवार को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली बालक और बालिका गतका टीमों को भी बधाई दी और मंशा जताई कि दिल्ली में होने वाले इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस बार भी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ के लिए मेडल लेकर आएंगे। कार्यक्रम के दौरान विधायक देवेंद्र यादव का शॉल और पुष्प गुच्छ देकर विधि अनुसार स्वागत भी किया गया। ये तो संयुक्त प्रयास है, मैं कहूँगा भिलाई वैसे भी मिनी भारत है और भिलाई में तो हर एक स्पोर्ट्स हर एक विषय का कोई ना कोई जगह होना चाहिए और गतका स्पोर्ट्स जो कि इतना पॉपुलर पिछले समय में हो रहा है और हमारे भिलाई में गतका से जुड़े हुए खिलाड़ी भी हैं जो नेशनल लेवल पे भी भिलाई का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। सिख पंचायत पिछले कई वर्षों से इस खेल को संरक्षण करने में और इसको बनाए रखने में अपना योगदान दे रही थी और उनके भी योगदान अतुलनीय है, मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। अभी मैदान बनने की शुरुआत होगी, आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा। वहीं एक तरफ जहां गतका एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के महासचिव जसवंत सिंह खालसा ने गतका खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए यह बनने जा रहे ग्राउंड को वरदान बताया, तो वहीं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल ने अन्य जाति धर्म के लोगों को भी इस खेल से जोड़ने की बातें कहीं। सर, आज हम लोगों को काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी इसकी कि हम लोगों ने माननीय विधायक जी से और माननीय महापौर जी से जो गतका ग्राउंड के लिए निवेदन किया था, काफ़ी लंबे समय बाद आज हमारी इच्छा एक मांग पूरी हुई है। आज माननीय विधायक जी ने हमारे गतका ग्राउंड का जो भूमि पूजन किया है और लगभग मेरे ख्याल से कल से इसका निर्माण कार्य भी आरंभ हो जाएगा। हम सभी भिलाई वासियों की तरफ से, गतका खिलाड़ियों, गतका प्रेमियों की तरफ से और सिख यूथ फोरम की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस खेल को इसमें शामिल किया है भिलाई में। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम गतके के माध्यम से ना सिर्फ भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम हम देश में रोशन करें। और हमारे गतके के लिए अभी एक बहुत बड़ी विधि है कि हमने पिछले 1.5 साल 2 सालों में ना सिर्फ गतके में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीते हैं, बल्कि हमारे 2 खिलाड़ी अमन सिंह और पृथ्वीपाल सिंह जी जो जिनका राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप में रेफरीशिप में भी उनका जिसमें उनका काउंसिल में नाम आया है, ये हमारे गतके के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है। और जैसे हमको भी ग्राउंड मिल गया है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे। आज छत्तीसगढ़ में जो पहला ग्राउंड गतका के लिए बना दिया गया, मैं बड़े भाई धर्मेंद्र यादव का और MLA हमारे MLA देवेंद्र यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात को रखे। और इसमें अब क्या, पहले क्या गुरुद्वारे के अंदर था, अब ये बाहर आएगा तो सभी समाज को इसमें जुड़ने का मौका मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि सभी समाज जुड़े और उसमें आगे हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। बहरहाल भिलाई शहर ने एक बार फिर एक नए खेल गतका को लेकर बाजी मारी है और भिलाई शहर में इस खेल का पहला राष्ट्रीय ग्राउंड तैयार होने जा रहा है। देखना होगा कि भिलाई में बने इस ग्राउंड में प्रदेश के किन किन हिस्सों से खिलाड़ी आकर इसकी तकनीक सीख पाते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए मेडल प्राप्त कर पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
श्री हनुमान गणेशोत्सव समिति न्यू पाइन टंकी भिलाई 3 के द्वारा भिलाई 3 के गुप्ता आटा चक्की के समीप पहले वर्ष गणेश पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि समिति के सभी सदस्यों ने आपसी सहयोग से मिलकर प्रथम वर्ष गणेश जी स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं शनिवार को गाजे बाजे के साथ श्री गणेश जी की प्रतिमा को भव्य रूप से विसर्जन किया गया। इस विसर्जन में समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे डीजे की धुन में थिरकते नजर आए। आइए देखते हैं विसर्जन की खास झलकियां। साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।